में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज अपने गृह क्षेत्र रामपुर के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान वे कल्याणपुर और रामपुर बाजार स्थित शनि मंदिर परिसर भी गए, पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा मंदिर के साथ घाट का निर्माण जल्द किया जाएगा, इसके लिए अब 2.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने इससे पहले झाकड़ी के समीप बरौनी खड्ड का भी दौरा किया, जहां पर कई सालों से नेशनल हाईवे का काफी बड़ा हिस्सा बार बार भू रक्षण के क्षतिग्रस्त हो रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भूस्खलन से यातायात से हो रही समस्या भी देखते हुए वहां पर स्थायी विकल्प लंबा स्पेन का जो पुल है उसके निर्माण की जरूरत है। इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात भी करेंगे। जल्दी मैं जो है डिजास्टर के माध्यम से, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से या अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से हम इसमें करवाएंगे। बजट की कोई कमी नहीं आएगी, मगर यहाँ के लोगों को सेफ गार्ड करना, उनको सुरक्षित करना, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है और उसके लिए हम जो है वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करेंगे। काम जो है वो अगले 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और इसको हम आने वाले समय में इसको सुरक्षित करेंगे। बाकी यहाँ के जितने आपके छोटे छोटे नाले हैं उनको चैनलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने IPH विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो इसके डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएं, कुछ की उन्होंने बना भी दी है, कुछ औरों की भी बनाएं और उसमें भी इमीडिएट टेंडर कॉल करके आपकी नदी जो नाले हैं उनको चैनलाइज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ताकि हमारे यहाँ के जितने भी भूस्खलन इस इलाके में थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको सुविधा भी मिले और सुरक्षा भी जो है वो सरकार की ओर से मुहैया करवाई जा सके।